हेलो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द थर्ड यूनिट ऑफ एन एफ नेम एल विच फिल्टर फिल्टर क्या होता है व्हाट इज़ फिल्टर ठीक है तो पहला देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट इज दैट द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द फिल्टर इज टू डिस्क्रिमिनेट फॉर एग्जांपल इट्स अलाउस समथिंग टू पास वाइल स्टॉपिंग दी अदर्स फिल्टर का काम होता है किसी चीज़ को फिल्टर करना एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर होम मतलब हम लोग के होम हम लोग के घरों में होता है फिल्टर्स ठीक है जो पानी को क्या करता है प्योरीफाई करता है उसमें से जो अनयूजलेस होते हैं मतलब यूजलेस कर्ज होते हैं उनको अलग करता है मतलब जो खराब होते हैं जैसे बालू वालू है उसको अलग कर देगा और उसको प्योरीफाई करके हम हमको देता है तो फ़िल्टर का काम यही होता है फिल्टर का काम होता है किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना किसी चीज़ को स्टॉप करना और किसी चीज़ को अलाउ करना पास होने के लिए ठीक है इन इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है फिल्टर्स क्या होते हैं फ़िल्टर का, का काम क्या होता है ये कुछ प्रकार की फ्रिकुनसीज को पास होने देता है तथा तो कुछ प्रकार की फ्रिक्वेंसी को स्टॉप कर देता है तो उसे ही फिल्टर कहते हैं फिल्टर अलाउज टू पास सम फ्रिक्वेंसीज एंड इट स्टॉप सम फ्रिक्वेंसीज दैट इज़ नोन एज फिल्टर्स ठीक है फिल्टर कहते हैं हिंस दर इज़ अ स्टॉप बैंड इसमें फ़िल्टर्स में स्टॉप बैंड एंड पास बैंड होते पास बैंड होते हैं जो कि कुछ बैंड को पास होने देते हैं कुछ बैंड को स्टॉप होने देते हैं उस जो अब देखिए फ्रिक्वें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है जो स्टॉप बैंड एंड पास बैंड को सेपरेट करता है उससे ही कहते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है फिल्टर्स में दो बैंड्स होते हैं स्टॉप एंड पास बैंड जो इन स्टॉप बैंड एंड पास बैंड को सेपरेट करता है उसे कहते हैं कट ऑफ फ्रिकुंसी ठीक है अब देख लेते हैं फ़िल्टर क्या होता है अब फ़िल्टर इज़ अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट फ़िल्टर एक फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट होता है जिसमें से वो एक फ्रिक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी बैंड में से कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी मतलब कुछ विशेष प्रकार की फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करता है और कुछ उसमें से कुछ विशेष प्रकार की फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करने के पश्चात उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज को पास होने देता है और कुछ को ब्लॉक कर देता है मतलब कुछ को अटेनुएट कर देता है उसे ही फ़िल्टर कहते हैं ठीक है फ्रीकवेंसी बैंड द रेंज ऑफ द फ्रीकवेंसी फ्रिक्वेंसी बैंड क्या होता है रेंज मतलब फ्रिकवेंसी का वह रेंज होता है मतलब एक प्रकार के जैसे बहुत सारी फ्रिकवेंसीज है उसमें से कुछ रेंज को सेलेक्ट कर लिया गया तो जो रेंज सेलेक्ट किया गया मतलब कुछ बैंड सेलेक्ट किया गया ठीक है ऐसे बहुत सारे टॉप बहुत सारे बंडल ऑफ बुक्स हैं जिसमें से आपको जो बुक्स पढ़नी है आप आपने उस बुक को सेलेक्ट कर लिया और उसमें से आप बुक तो सेलेक्ट कर ली है और उसमें से आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं तो उस चैप्टर्स को सेलेक्ट कर लिया तो यही है और कुछ चैप्टर्स को निगलेक्ट कर दिया तो वही काम है फ़िल्टर करना फ़िल्टर का भी वही है फ़िल्टर बहुत सारी फिक्वेंसी रेंज होती हैं उसको सेलेक्ट करता है उस फिक्वेंसी रेंज में से कुछ को पास होने देता है कुछ को ब्लॉक कर देता है तो वही है फिल्टर ठीक है तो जो फिल्टर जो बैंड फ्रिक्वेंसी को पास होने देता है उसे पास बैंड कहते हैं और जो बैंड उसको फ्रिक्वेंसी को स्टॉप कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है उसे एटिनुएशन बैंड या फिर स्टॉप बैंड कहते हैं ठीक है थेके? अब देख लीजिए यूज द फिल्टर्स फिल्टर्स का यूज़ का कहाँ कहाँ है ठीक है और उसका एप्लीकेशन क्या है ठीक है इन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ फ़िल्टर टू सप्रेज नॉइज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं ये नॉइज़ को सप्रेस करता है टू आइसोलेट अ सिंगल कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनी चैनल्स एंड टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉडुलेटेड सिग्नल मान लीजिए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ठीक है वी आर कम्युनिकेटिंग बाय द मोबाइल फोन मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है हम लोगों ने कोई सिग्नल भेजा जिसमें नॉइज़ ऐड हो गया तो फिल्टर का काम क्या होता है उसको प्योरीफाई करना मतलब नॉइज़ को सेपरेट करना नॉइज़ का कोई काम नहीं है इसमें तो नॉइज़ को सेपरेट कर देगा जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होगा उसको सेंड करेगा ठीक है आप देख लेते हैं ने, ने, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब देखिए इंजीनियर्स इसका यूज़ करते हैं फिल्टर्स का कुछ डिज़ायर्ड मतलब जैसे कोई कंपोनेंट बना रहे कोई डिवाइस बना रहे जिसमें से हमको कुछ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स चाहिए तो उन डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं फिल्टर्स का ठीक है टू लिमिट द बैंडविथ ऑफ एन सिग्नल्स बिफोर कन्वर्टिंग दैम मतलब ये का फिल्टर्स का यूज़ एन सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है जैसे हमको मान लीजिए हम लोग कोई अनलॉक सिग्नल भेज रहे हैं जो फिफ्टी हर्ट्स का है और हमको जो चाहिए डिजिटल सिग्नल ठीक है वो हमको ट्वेंटी हर्ज का ही चाहिए तो उसमें से थर्टी हर्ज को नेगेक्ट कर देगा फिफ्टी हर्ज ट्वेंटी हर्ज को ही सिलेक्ट करेगा ठीक है इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स बैक टू एन रिप्रेजेंटेशन या डिजिटल सिग्नल्स को एन में भी कन्वर्ट करता है ठीक है इन म्यूजिक इंडस्ट्रीज म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग में प्लेबैक में अप्लीकेश्स रिक्वायर फाइन कंट्रोल एंड फ्रीकुनसी कंपोनेंट्स में इसका यूज़ होता है कैन बी यूज़ इन क्रास ओवर नेटवर्क क्रॉस ओवर नेटवर्क आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कॉस ओवर नेटवर्क क्या होते हैं

माइक्रोफोन लाउड स्पीकर पढ़ेंगे तो उसमें लाउड स्पीकर में जैसे वो होता है वो फर्स होता है ट्विटर होता है इन सब का एक फ्रीक्वेंसी बैंड सेलेक्ट किया गया है कि इतने फ्रिक्वेंसी बैंड इतना इतना हर्ट्स रहेगा इतने फ्रिक्वेंसी बैंड में इतना साउंड वो क्रिएट करेगा ये सब है ठीक है तो यहाँ पढ़ेंगे आगे फिफ्थ सेमेस्टर में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स कैन भी यूज मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग बहुत सारे फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे रेडियो एंड टी वी ब्रॉडकास्टिंग में एम्पलीफायर्स में पावर सप्लाई में अब देखिए क्लासीफिकेशन ऑफ़ फिल्टर्स फिल्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखना है देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फिल्टर्स फिल्टर का बहुत ही बड़ा रेंज है मतलब बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे फिल्टर्स कैटेगराइज किए गए हैं कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग जैसे डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के आधार पर फिल्टर्स दो प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन आम इम्पीडेंस आम इम्पिडेंस के आधार पर फिल्टर्स दो प्रकार के होते हैं अब देखिए अब डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रिक्वेंसीज फ्रिक्वेंसीज करेक्टरस्टिक्स के आधार पर भी फिल्टर्स चार प्रकार के होते हैं वो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग